साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा नर्सरी पाठशाला में आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज का जो ये ब्लॉक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रकृति की दृष्टि से तो अनमोल है। और आप सुनिए सुनिए तो आप पाएंगे कि इसमें एक मोटिवेशन भी है। देखिए, आज है पूर्णमासी। पूर्णमासी मतलब मार्गशीर्ष माह की ये पूर्णमासी है। वर्ष 2023 की आखिरी ये पूर्णमासी है। तो भाई चलिए, चंद्रमा के प्रकाश की तरह आप लोगों का भी जीवन दीप्तमान हो, ऐसी हमारे चैनल की तरफ से और हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए, ब्लॉग तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कई लोग पूरा ब्लॉग में समय नहीं दे पाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कि भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता में, गीता का एक एक शब्द सही है, 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक ही भगवान के द्वारा बोले हुए हैं, तो यथार्थ है, वो तो शाश्वत है। उसी में कहा है कि मार्गशीर्ष माह मेरा स्वरूप है। जैसे पीपल वृक्ष के लिए कहा है उन्होंने कि पीपल वृक्ष ही हमारा स्वरूप है, उसी तरह इस मार्गशीर्ष माह और एकादशी के लिए कहा है। तो मैं तो अपने ब्लॉग में पहले भी कहता हूँ कि यदि आपको फलदार फूलदार पौधे और वृक्ष लगाना है तो आप एकादशी से लेकर पूर्णमासी के बीच में लगाएं। उस फल का टेस्ट ही अलग होगा और वो आपके और आपके परिवार के लिए जो जो उस फल को खाएंगे उन उस एक तो उस फल में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। ये गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर का ये एक हम आपको बता रहे हैं कि जो इस समय वातावरण और क्लाइमेट होता है एकादशी से पूर्णमासी तक, ये हम जो शास्त्रों से हमको निचोड़ मिला है मैं उसका मंथन करके आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपने बाग में खेत में जब भी आप कोई वृक्ष फलदार लगाएं तो आप एकादशी, वो भी शुक्ल पक्ष में, एकादशी से और पूर्णमासी के बीच में लगाएं। तो और इस दिन मार्गशीर्ष की पूर्णमासी को फूलों का दान करें। अब फूलों का दान तो भाई दान तो मंदिरों में ही होगा, फूलों का मतलब भगवान के विग्रह को फूल आप अपने घर के अर्पित करें। देखिए ये सामने ही आपको दिख ही रहा है, गुड़हल का बहुत नई वैरायटी का पौधा है। ये हम NBRI प्रदर्शनी से लाए हैं, भारतीय बॉटनिकल गार्डन्स जो लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध संस्थान है वहाँ प्रदर्शनी लगती है, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। देखिए फूलों का ही अंबार है हमारे पास। आज एक पौधा हमको रोपित करना है, अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा पौधा मैं रोपित करूँ। ये इसका नाम बड़ा टेढ़ा है जो मैं ये पौधा दिखा रहा हूँ, अब आप लोग ही फैसला कर दीजिए। चलिए, हमारा तो फैसला आज इसकी गुड़हल की तरफ है क्योंकि भाई ये बहुत ही, देखिए इसमें कितना अच्छा जो है रचनात्मकता है, कितना आकर्षण है, कितना ये वास्तव में प्रकृति का शाश्वत रूप है। तो आज हम इसी को रोपित करेंगे। देखिए गमला पर्याप्त बड़ा तैयार हो गया है, फूल जिसमें हम लगाते हैं विशेषकर गुड़हल उसके लिए हम थोड़ा बड़ा गमला रखते हैं, ये आप भी देख लीजिए। और आज हम इसी में लगाएंगे। मिट्टी भी मैंने इकट्ठी कर ली है और ये देखिए ये ईंट के रोड़े हैं, ये सबसे पहले मैं डालूंगा। ये पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम है। मैं देखिए बता देता हूँ, कई लोग जो है गलती कर देते हैं, फिर उनका बहुत आजकल पौधे भी बड़े महंगे आ रहे हैं और जब ख़राब होते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। हमारा प्रयास ये है कि संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारा चैनल तो जागरूक करता ही है प्रकृति संरक्षण के लिए, साथ में पेड़ पौधे भी लगाने के ट्रिप्स हम बताते हैं। तो भाई चलिए आज सीखिए आप ट्रिप्स। ये देखिए गमले के नीचे ये डाल दिए, गमले के टूटन डाल दिया, ड्रेनेज सिस्टम को ऐसे बंद किया जिससे इससे पानी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे और एयर भी इसमें आती जाती रहे। देखिए ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से पहुँचाना पड़ेगी आपको मिट्टी के अंदर भी। अब ये देखिए मिट्टी हमारी कलेक्ट हो गई है और भाई हमने तो सारी खादें डालना बंद कर दिया है, मैं एक ही खाद डालता हूँ, ये AWPL की देखिए वैदिक एग्रो भोविटा है, फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट है, सोल कंडीशनर है ये और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है भाई। ये देखिए ये 4 kg का वो आता है पैक और ये देखिए ये DAP की तरह मिलती जुलती है लेकिन ये रसायन नहीं है इसमें, ये जैविक है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ये अमृत तुल्य है। ये हमारे MD AWPL के श्री संजीव, डॉक्टर संजीव कुमार साहब ने बड़े ही वैज्ञानिकों को लगा के रिसर्च करा के और इसको तैयार किया है। देखिए अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया है
और कानून मंत्री जी के द्वारा, श्री मेघवाल साहब के द्वारा हमारे एमडी साहब को प्रशंसा के लिए पुरस्कृत किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर। और इस तरह से वो भी इसमें मतलब ये जैविक खादों के निर्माण और उसके लिए, तो भाई ये हम तो इसीलिए बताते हैं सारे बागवानी वाले भाइयों को, किसान भाइयों को, कि रसायन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करें। आप कीट मित्र जो हैं, हमारे पक्षी हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं एक तरह से रसायन का डाल के, और जहर खा रहे हैं। कैंसर की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक देखिए हो रहे हैं। अभी कल ही परसों देखिए कितने बड़े प्रवक्ता साहब का देहांत हो गया हार्ट अटैक की वजह से, वो भी स्वास्थ्य के ऊपर बोल रहे थे। तो भाई खेतों से में कैंसर पैदा हो रहा है, खेतों में बीमारियां पैदा हो रही हैं जो हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, रसायन गंदा डाल रहे हैं। इसीलिए ये देखिए वैदिक भूटा डालिए, ये नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है, इसका प्रयोग पैदावार बढ़ाने के लिए होता है, और ये जमीन के पीएच मानक संतुलन के लिए भी ये बहुत उम्दा है। अरे भाई हम तो सब में डाल के देख रहे हैं, इन सब में पड़ा है, देखिए कितने चटक फूल आए हैं, ये आप देख लीजिए, इसी से आप समझ जाएंगे। हाँ तो भाई बस ये देखिए हम डाल दिया, अब मिला दिया, ये एक एक 4 kg का पैकेट आता है, 1 acre ज़मीन के लिए होता है, तो मैं अपने गमलों में इस तरह से मिला के और उसको मिला देता हूँ। अब ये समझ लीजिए कि इसका पीएच भी ठीक हो गया, और अब इसको हम इसमें अभी लगाते हैं, देखिए आपके सामने तुरंत भर देते हैं, ये देखिए बिल्कुल अब कोई हमें ज़रूरत नहीं। देखिए गाय की गोबर से अच्छा तो कोई दुनिया में कोई चीज़ है नहीं, लेकिन गाय की गोबर का जो खाद हो वो भी 6 महीने पुरानी हो, सड़ी हुई हो, तब वो अमृत है। और ये आप तुरंत लेते और तुरंत डालिए, ना तो आपको फंगस लगना है, ना किसी तरह का रोग लगना है, सारे रोगों को भी निजात मिल जाएगी आपको। और इस तरह से डाल दीजिए, लीजिए ये देखिए अब आपका पौधा देखिए स्वस्थ रहेगा और बहुत अच्छी चटक पत्ती फूल आएंगे। विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अब मैं संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री दिनकर कुमार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो संपूर्ण मानवीय वांग्मय के प्रधान संपादक